हेलो स्टूडेंट्स बेटा, आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, यूनिट नंबर थर्ड का मैटर एंड मैग्नेटिज्म, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोहर्स मैग्नेटोन, बोहर्स मैग्नेटोन, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे नाम से कि एटम एज एन डाइपोल, एटम एस एन मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये कि जो मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो जो चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मेन कोज जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है। अब हमें पता है कि इन दिस होल यूनिवर्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम में हमें पता है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज पार्टिकल जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो एक रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, करंट की फॉर्मेशन करता है, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो ऑर्बिट एक करंट कैरिंग लूप की तरह से बिहेव करती है। और किसी भी करंट कैरिंग लूप की एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करें, ठीक है, उसी को हम बोहर्स मैग्नेटोन बोलते हैं। तो यहां पे देखो, ये मान लो हमारे पास एक कोई ऑर्बिट है, ये मान लो न्यूक्लियस है और ये रेडियस है आर, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो यहां पे देखें कि एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्जों इलेक्ट्रॉन हमारे पास ई होता है, चार्जों इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड माइनस ई होता है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई 1.6 × 10⁻¹⁹ उसको ई से लिख दिया। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा इसके अंदर तो कितना करंट बनाएगा, तो करंट कितना होता है, I is equal to charge upon time। तो चार्ज कितना E, और एक पूरा चक्कर करने में यहां से चल करके इलेक्ट्रॉन वापस जब यहां पे पहुंच जाएगा तो एक पूरा चक्कर करने में इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा इसी ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको हम कैपिटल T से लिखते हैं T। ठीक, अभी टाइम पीरियड कितना होगा, T is equal to 2π/ω एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, जब यहां से चल करके यहां आएगा तो टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2π 360 डिग्री, 2π रेडियन, और मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये कितना हो जाएगा, I is equal to ई 2π/ω, तो कितना आ गया, ई ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, ये करंट आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द लूप, लेट ए बी द एरिया ऑफ द लूप, ऑर्बिट कर लो लूप की जगह, ऑर्बिट कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल सभी को पता है पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो एम कितना हो जाएगा, एम करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, भाई किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, आई इंटू ए, तो पहले हमने आई कैलकुलेट किया इसका, फिर इसका एरिया, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना आ गया हमारे पास, एम इज इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं ई ओमेगा 2π मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, भाई जो मैग्नेटिक मोमेंट है
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना आया, e ओमेगा r स्क्वायर बाय 2, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है और r जो है उसकी रेडियस। ठीक है चलो, अब इसमें बोहर्स का नाम आ रहा है, बोहर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो बोहर्स ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू बोहर्स, बोहर्स थ्योरी, जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है इस तरह से किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एमवीआर आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम, तो पी कितना है एम इंटू आर, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो उसका ऑर्बिट क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड। यूनिट नंबर 8 के अंदर एटम और न्यूक्लियस, वहां पर बोहर्स का मॉडल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने बोहर्स का मॉडल, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इस जो पोस्टुलेट है जो हम लिख रहे हैं इसके बारे में वहां डिस्कस करके ब्रीफली। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है एनएच अपॉन 2 पाई, एक फिक्स नंबर का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच अपॉन 2 पाई कांस्टेंट होता है इसका, एन कुछ भी हो सकता है 1 2 3, उसमें हो सकता है 1 2 3 एफ एन की वैल्यू। तो यहां से देखो ये बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट होगा, बोहर ने क्या कहा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मतलब फिक्स जगह पे ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ऐसा नहीं कि मन में वहां चक्कर लगाने लग गया, यहां लगा रहा है तो उसके बाद एक दूसरी फिक्स, इससे बीच में कोई ऑर्बिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी हमें इतना याद रखना है कि एमवीआर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई। यहां से देखो, अब यहां पे हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, पढ़ा है सभी ने, एंगुलर वेलोसिटी होती है ये लीनियर वेलोसिटी होती है रेडियस, तो क्या रिलेशन होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, m या r ओमेगा द्वितीय, यहां पे nh अपॉन 2 पाई क्या हो गया, m एक r होता है यहां पे r, तो m ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एच यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट, अब देखो इसको और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एटम जो होता है कैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट शो करता है, कितनी डाइपोल मोमेंट शो करता है। यहां पर देखो ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनएच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं ऐसे, और एम, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस 2 का इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दो, यूज इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, तो ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहां पे, तो ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ये एम के बराबर था, एम इज इक्वल टू 1/2 ई को एस डी रख लिया, ओमेगा आर स्क्वायर की जगह एन एच अपॉन 2 पाई एम, कितना आ गया ये हमारे पास, ई एन एच अपॉन 4 पाई एम लिख सकते हैं इस तरह से। और यहां पे देखो n इंटू म्यू भी लिख सकता हूं, ये म्यू भी क्या है, ये कांस्टेंट है, इसी को तो बोलते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसी को बोहर्स मैग्नेट्रॉन लिखते हैं। इसमें m हमने लिख दिया, m इज इक्वल टू n म्यू भी, और म्यू भी वेयर म्यू भी इज कॉन्स्टेंट नोन एज बोहर्स मैग्नेटॉन, यही तो मैं है बोहर्स मैग्नेटॉन कहलाता है। म्यू बी कितना होगा, म्यू बी इज इक्वल टू क्या क्या, एन तो हमने रख ली है, ई एच अपॉन 4 पाई एम, सभी की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट ई, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19,
एच 6.6 × 10⁻³⁴ फोर कॉन्स्टेंट 3.14 पाई की वैल्यू एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम म्यू भी कितना आ जाएगा। इस सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर एन की जगह मैं वन ले लू, ये यहां पे इसको मिटा देते हैं, ये देखिए बेटा यहां एन की जगह मैं वन ले लेता हूं, एन की जगह वन ले लू फॉर एन इज इक्वल टू वन, तो म्यू भी कितना आ जाएगा 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है और उस टाइम उसके साथ जो डायपोल मोमेंट होती है, मिनिमम डायपोल मोमेंट जो होती है वही बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाती है। तो द मिनिमम डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज बोहर्स मैग्नेट्रॉन, वही क्या कहलाती है बोहर्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये तो हमारे पास बोहर्स मैग्नेट्रॉन आ गया। इसके साथ एक और चीज हम निकालते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है और जो एंगुलर मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है और एंगुलर मोमेंट जो होता है, उन दोनों का रेशियो। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास कितना आया था, 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर, यही तो आया था स्टार्टिंग में देखो। और एंगुलर मोमेंटम एमवीआर, तो ये कितना आया था एम ओमेगा आर स्क्वायर, यहां से घट जाएगा कितना आ गया E/2m, वैल्यू रखो E/10⁻¹⁹, यहां पे × 2 8.8 × 10⁻¹⁹ हमारे पास 10 कूलाम पर किलोग्राम। दिस इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक रेशियो 8.8 × 10⁻¹⁹ कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये किस किस का रेशियो होता है, इट इज द रेशियो, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंट, इन दोनों का रेशियो होता है जायरोमैग्नेटिक। तो दिस इज बोहर्स मैग्नेट्रॉन बेटा, ये क्या होता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन। अब हम कुछ टर्म्स जो इस कॉन्सेप्ट में हमारी यूज होने वाली है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए वो टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला आता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक ही चीज होती है, तीनों का एक ही नाम है, एक ही चीज का नाम है, ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या कह लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, ठीक, चाहे इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल दो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो। तो हमने देखो पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर। फर्स्ट सबसे पहले वाला लेक्चर याद करो, हमने वहां पर फोर्स निकालता F = qvB sin थीटा,
याद आया कुछ? थर्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में जब पहला लेक्चर हमने बनाया था तो उसमें कितना फोर्स लगता है कहीं किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो हमने निकाला था qvv साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं q को ले लूं 1 कूलम, v को ले लूं 1 मीटर पर सेकंड और थीटा को ले लूं 90, तो सारी वैल्यू रखने के बाद f किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 1 1 sin 90 1, साइन 90 कितना होता है 1, तो f इज इक्वल टू बी। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड दिस इज फोर्स। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। कब फोर्स के बराबर है? जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना हो 1 कूलम, यूनिट वेलोसिटी के साथ 1 मीटर पर सेकंड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो उस केस में फोर्स जो होती है न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द किसके बराबर होता है? न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज पार्टिकल मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहलाएगी, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बराबर है। तो सबसे पहली चीज ये। अब यहां पे देखो दूसरा है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ऐसे लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होती है? तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स देखिए वो फोर्स जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है, जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो यहां पे देखिए बेटा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये मान लो हमारे पास एक सोलेनोइड है, ये इसमें हमने करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहां से आई करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, सभी ने पढ़ा है। अगर इसके अंदर कोई लोहे का टुकड़ा रख देते हैं तो वो क्या धीरे धीरे मैग्नेट बन जाएगा। तो ये लोहे का टुकड़ा मैग्नेट बनेगा किसके कारण बनेगा? जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण बनेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड के अंदर? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एल आई कब? क्या म्यू ले लो, अगर इसके अंदर मटेरियल है तो म्यू ले लेते हैं, म्यू एल आई। ठीक है, अब यहां पे देखो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है? करंट, और म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब यहां पे बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एच, और एच एच क्या? एच इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई आई। ये क्या करंट, करंट की यूनिट एम्पियर, और पर यूनिट लेंथ मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई भाई। यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मीटर इनवर्स करंट की एम्पियर, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये किस किस का प्रोडक्ट होती है? नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो इसके अंदर जो फील्ड पैदा होता है सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड पैदा होगा वो बेसिकली इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा उसके ऊपर उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेट
मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो कितना मैग्नेटाइज कर देगा इस मटेरियल को, कितना मैग्नेटाइज कर देगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ करंट और आई के ऊपर। जैसे करंट बढ़ेगी ज्यादा मैग्नेटाइज होगी, ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो दिस इज इसको बोलते नंबर ऑफ एम्पीरियन टर्न्स, नंबर ऑफ एम्पीरियन टर्न्स फ्लोइंग पर यूनिट राउंड ऑफ ए टोरॉइडल सोलेनोइड, पर यूनिट राउंड यूनिट लेंथ ऑफ ए टोरॉइडल सोलेनोइड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इस करंट के कारण वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाएगा, जो किसी चीज को मैग्नेटाइज करता है, किसी को मैग्नेट बनाता है, ठीक है। ये क्या होता है एच, अगर यहां पे वैक्यूम है तो बी नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट एच, ठीक है। और यहां से ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट टर्म देखिए बेटा, नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ